रक्तदान और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा पर काम कर रहा दिल्ली सादात बतन नौगामा सादात ग्रुप जिले के कस्बा नौगामा सादात में दिल्ली सादात ग्रुप ने आके लोगों को शिक्षा और रक्तदान के लिए जागरूक किया। ग्रुप के अध्यक्ष खिजर आब्दी ने बताया कि उनका ग्रुप पिछले 8 वर्ष से इसको लेकर कार्य कर रहा है। उनका उद्देश्य है इस दौर में कोई गरीब बच्चा शिक्षा हासिल करने से ना रहे। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मैं सैयद अली मेहदी आब्दी, प्रवक्ता दिल्ली सादात वतन नौगामा सादात। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, इसको बुलाने का मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी जो तंजीम है ये बिल्कुल गैर सियासी है और हमारा मकसद सिर्फ अपने वतन की खिदमत करना है। 2014 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी। हमारे जो ग्रुप एडमिन हैं वो हज़र अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 2014 से लेकर आज तक हमारे पास इस वक्त 450 मेम्बर मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। लंदन में हैं, सऊदी अरब में हैं, कुवैत में हैं, अमरीका में हैं, सभी जगह से हैं। हमारा मकसद जो है वो अपने वतन से जहालत को मिटाना है। हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हेल्थ फील्ड में भी हम काम करें और ब्लड जो डोनेट है वो हमारे ऊपर हमेशा करते रहते हैं। दिल्ली हो चाहे अमरोहा हो, जहाँ जिस किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है हमारे ग्रुप के मेंबर ब्लड डोनेट करते रहते हैं। लॉकडाउन के टाइम में भी हमने जो है वो काफ़ी लोगों की मदद की, जितना हमसे हो सका हमने उतनी मदद की। हमारे जज्बे को देख के आज हमारे साथ नौगामा सादात के ज़्यादातर धर्मगुरु हमारे तंजीम के साथ हैं। नौगामा सादात के दानिश्वर हजरात, पढ़े लिखे हजरात, बुज़ुर्ग सब हमारे साथ हैं। सबके इसरार पे और सबके कहने के बावजूद हमने जो है इसको रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला लिया और हमने इसको अब रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब हमारी तंजीम बाकायदा रजिस्टर्ड है। हमारा मकसद ये है कि हम अपने वतन की बराबर खिदमत करते रहें। कोई बच्चा जो है वो अनपढ़ न रहे। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वतन की खिदमत करते रहें।